दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। बाके के नेपालगंज नगर पालिका में रहल सुकुम्बासी बस्ती भस्कावल गई, जमीन खाली करला गृह मंत्रालय द्वारा परिपत्र। पश्चिमी वायु के प्रभाव के कारण देश भर के मौसम प्रभावित, शीतलहर के कारण 12 के जनजीवन कष्टकर। महोत्तरी के सीमावर्ती क्षेत्र में नेपाली सेना से चलावल घुमती शिविर प्रभावकारी बनल, 16,700 से लेहलक सेवा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्टेट ऑफ यूनियन स्पीच खातिर सभामुख के न्योता, डेमोक्रेट आ रिपब्लिकन बीच सीनेट में होखे वाला ट्रायल बारे सहमति बाकी। आ काठमांडू मैराथन की उपाधि नेपाली सेना के नरेंद्र रावल के, महिला तरफ की उपाधि सशस्त्र के कांची माया जीतली। अब पूरा समाचार। बाके के नेपालगंज उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 20 गायत्री नगर में रहल आदर्श माध्यमिक विद्यालय के जमीन खाली करला गृह मंत्रालय से परिपत्र कैले बाद बस्ती भस्कावल गई बा। विद्यालय के नाम में लालपुरजा रहल किता नंबर 2, 3 आ 8 के 3 बीघा 7 कट्ठा 14 धुर जगह में बनल सुकुम्बासी के घर टहरा वाड़ाकार ले भस्कौल। बाके के नेपालगंज उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 20 गायत्री नगर में रहल जगह विक्रम संवत 2036 साल में आदर्श माध्यमिक विद्यालय के नाम में श्रेष्ठता कायम भइल रहे। पुर्जा बनला के बाद नियमित रूप में मालपुत तीर्थ आयल विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रकाश आचार्य बतावलन। स्थानीय सबके समय समय में जानकारी करौला पर भी अटेर कैला के कारण डोजर लगाव पड़े के आचार्य के कहनाम बा। यस विद्यालयको यो गायत्री नगर स्थित जग्गा 2036 साल असारको 10 गते विद्यालयको नाममा श्रेष्ठता कायम भएको हो र तत्पश्चात हाम्रो पूर्जा बनेको र नियमित रूपमा हामीले यसको मापको तिर्दै आएका छौँ। म आफै यहाँ 10 वर्षदेखि छुँ र मैले 10 वर्षदेखि यहाँ घर नबनाउनुहोस्, यहाँ नबस्नुहोस्, यो तपाईँहरूको होइन भनेर मैले भनिरहेको छु, तर उहाँहरूले मान्नु भएन। सरकार से बस्ती भस्का देलाके बाद भी त्रिपाल निचाही रहेकै यही जमिनमा रहेके स्थानीय कहनाम बा। 75 घर परिवार के स्थानीय तह से घर बार विहीन बनावल उल्लो के आरोप बा। अपना सबके सहज व्यवस्थापन करेला समेत उल्लो के माग बा। हमें लग्छ अब हमी त्रिपाल मुनि ही बस्छौं, जाने ठाउँ छैन, 75 घर छौं, भत्काई दिन्छ त्रिपाल मुनि बस्छौं, जाले मर्या मर्छौं कि हामीलाई मारेर फाल्नु पर्छ सरकारले, कि हाम्रो लाग्छ सरकारले खोज्नु पर्छ, हामीलाई शरणार्थी बनाएन रुपियाँ कटाउनु पर्छ, इन्डिया जान्छौँ कि सरकार त्यो गर्नुपर्छ, होइन भने त्रिपाल नै बस्छौँ। हामीलाई उचित ठाउँ हुनु पर्यो, कसैले दाबी नगर्ने, दाबी नगर्ने ठाउँमा हामीलाई उचित व्यवस्थापन हुन्छ भनेपछि हामी जान तयारी छु। हामी यो जग्गामा बसिकन हामी यहीँ बस्छौँ र हामी यही जग्गा छोड्दै छोड्दैनौँ हाम्रो कसै समाजले भनेको छैन। बाँकीमा रहल 44 गो विद्यालय सबके सरकार सामूहिक रूपमे एकैबेर लाल पूर्जा वितरण कैला, उही समयमै आदर्श माध्यमिक विद्यालय भी पूर्जा लेहल वडा अध्यक्ष कार्की बताउलन्। विद्यालय 3 बीघा 7 कट्ठा 14 धुरमे फैलल बा। बिचमा 2051-52 सालको जनयुद्ध कालमा यो विद्यालयमा तपाईँको चाहिँ मान्छेहरूले तपाईँको अतिक्रमण सुरु गरे, प्रतिवाद गर्न सकिने अवस्था त्यतिखेर देखिएन। विद्यालयले आफ्नो भूमि फिर्ता लिनलाई डर त्रास धम्कीले पनि विभागदेखि लिएर अभिभावकहरूले बोल्न सकेनन्। त्यही सिलसिलामा बिचमा भूमाफियाहरू भूमि अधिकार मञ्चका नामबाट पैसा असुली गर्दै जनताहरूलाई यो ठाउँमा राखियो। घरबार विहीन बनाउलाके बाद स्थानीय सब आक्रोशित बनल बा। बाके से रविन्द्र सिंह ठकुरी के रिपोर्ट। पश्चिमी वायु के प्रभाव के कारण देशभर के मौसम प्रभावित फैल बाटे। आज देशभर आंशिक से सामान्य बदली रहे के जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनाउले बा। दिनभर पश्चिमी क्षेत्र तथा मध्य आ पूर्व के पहाड़ी क्षेत्र में सामान्य बदली होखी, बाकी क्षेत्र में आंशिक बदली होखे के मौसमविद बताउले बा। उच्च पहाड़ी तथा हिमालय क्षेत्र में हल्का से मध्यम हिमपात आ पहाड़ी क्षेत्र में के 1-2 स्थान में हल्का वर्षा के संभावना रहल बा। वैसे ही रात में देशभर आंशिक से सामान्य बदली के अवस्था रही। उच्च पहाड़ी तथा हिमालय क्षेत्र में हल्का से मध्यम हिमपात आ पहाड़ी क्षेत्र में 1-2 स्थान में हल्का वर्षा होखे के संभावना रहल मौसमविद लोग बताओले बा। बीतल 4 दिन से लागल धुन के कारण भइल शीतलहर से 12 के जनजीवन पूर्ण रूप में प्रभावित भइल बा। बारा, परसा, रौतहड़, मकवानपुर के साथे सिमरा विमानस्थल मंगर से प्रभावित भइल बा। भारत बिहार से काठमांडू पशुपतिनाथ दर्शन खातिर सिमरा विमानस्थल आइल 28 जने भारतीय तीर्थयात्रु सिमरा विमानस्थल में अल्पतर परल बा।
चार दिन से आयल शीतलहर के कारण विजिबिलिटी कम भैला बाद बुध के दिन आंशिक उड़ान भैला पर भी बाकी दिन उड़ान होके ना सकल सिमरा विमानस्थल जनौले बा। तपाईको तीन दिन अब चार दिनदेखि पुस दुई गते छोडेर पुस एक गते तीन गते र आज चार गते तीन दिनै विमानस्थल बन्द रह्यो, एउटा पनि उडान भएन। लगभग हामीले अब्जर्भ गरेको वेदर चाहिँ तपाईँको 1000 मिटरदेखि 800 देखि 1500 मिटरको हाराहारी, त्योभन्दा बढेको छैन। पुस दुई गते मलाई लाग्छ हाम्रो रेकर्ड अनुसार 2500 भिजिबिलिटी थियो, 2400-2500 सातवटै सेड्युल फ्लाइटहरू टाइमली भएको थियो। पुस एक गते से भइल शीतलहर के कारण मंगल से ही बारा के सिमरा निजगढ़ कलैया लगायत आसपास के बासिंदा के जनजीवन प्रभावित भइल बा। माइती नेपाल क्षेत्रीय कार्यालय चितवन पिछला 5 वर्ष में कैल काम सार्वजनिक कैले बा। सन् 2015 में मानव बेचबिखन तथा महिला हिंसा मुक्त समाज निर्माण के खातिर सामाजिक परिचालन कार्यक्रम एक्टिव परियोजना लागू भइला बाद अभी तकले भइल गतिविधि के बारे में सार्वजनिक कैल गेल। कार्यक्रम में माइती नेपाल क्षेत्रीय कार्यालय चितवन के कार्यक्रम संयोजक ईश्वर गिरी माइती नेपाल चितवन से पिछले 5 वर्ष में 391 जने के बेचबिखन से बचाओल गई बताने, उसे 397 जने के परिवार में पुनर्मिलन कराओल गई, 1602 जने के सीमाना से सीधे घर फिरता कैल गई, 4415 जने के वैदेशिक रोजगारी के खातिर सुरक्षित स्थानागमन कराओल गई। गिरी बताने मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्ध माइती नेपाल चितवन ग्रामीण क्षेत्र में समेत विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सब करते आइल बा। महोत्तरी के सीमावर्ती क्षेत्र में नेपाली सेना से चलावल वृहत निःशुल्क संयुक्त शल्यक्रिया घुमती स्वास्थ्य शिविर में सेवा से हजारों बीमार पुगल बाटे। अगहन 27 गते से सुनमा गाँवपालिका वार्ड नंबर 3 खखना में शुरू कैल शिविर में अभी तक 16,747 बीमार सेवा लेहले बा। महोत्तरी के सीमावर्ती क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय के आर्थिक सहयोग में सेना से संचालन कैल शिविर में हजारों बीमार सब सेवा लेहले बा। अभी तकले 16,747 बीमार सब सेवा लेहले बा। शिविर में अभी तकले 7,154 पुरुषा 9,593 महिला इलाज करौले बा। 243 जने के सफल साधारण तथा सघन शल्यक्रिया कैल गेल बा। 16,747 त्यसमा 7,154 भन्नाले 43% मेलहरू र 9,593 57% चाहिँ फिमेलको संख्या रहेको छ त्यहाँमा। सुनमा गाउँपालिकाकै खखनामे सञ्चालित शिविरमे बिमार सबके चेक जाँच करके सामान्य शल्यक्रिया उहे स्थानमे आ सघन शल्यक्रियाके खातिर जलेश्वर अस्पतालमे सेना केही सर्जन टोली शल्यक्रिया कैले रहे। शिविरमे आयल ज्यादातर बिमारमे से महिलामे समस्या देखल गेल बा। पर्सेन्टेज पेसेन्ट जति पनि आएका छ त्योमध्येमा चाहिँ महिलाहरू नै हुनुहुन्छ, 60% महिलाहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर पेसेन्टमा। र त्यसमध्येमा पनि धेरै जसो देखिएको चाहिँ यो पाठेघर खोज्ने समस्या, त्यसपछि यो पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज भन्छ, ती समस्याहरू लिएर चाहिँ यहाँ बढी आउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयकै 70 लाख अरू बाँकी को सबसे शिविरको खर्च व्यवस्थापन कैल गेल रहे। यसमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय ऊ प्रत्येक साल 1 करोड बजेट विनियोजन गर्छ यो शिविरहरूको लागि, त्यसमध्ये 70 लाख रुपियाँ यहाँ दिनुभएको छ। त्यसपछि म आफ्नो संसदीय कोषबाट 20 लाखभन्दा माथि जुन लाग्छ त्यो पैसा म तिर्छु, र यसो आवश्यक पर्यो भने स्थानीय सरकारहरूलाई पनि हामी सङ्केत गर्छौँ। शिविरमे कैल गैल निःशुल्क शल्यक्रिया से बिमार सबके बहुत सहज भइल बा। लाखों लाख रुपया के काम करे मामूली बात नहीं है, ऑपरेशन सब मान लो साधारण ऑपरेशन के लोग 50-60 हज़ार रुपया लेकिन मान लो केन केन बड़का बड़का ऑपरेशन कलते गरीब के लिए सबसे बड़ा विकास है। बचपन से हमारा सब बचपन भ गए लेकिन एहन कहियो ना सिविल आयल रहें, हम सब ना देखने रहिए ओना अब घाव घुस के आँखि टाँटि के झूक फूस इनाय उन्नी कह लग दोसर बात लेकिन एहन जेहन मतलब कहियो ना रहिए मतलब धन मन तन से कर दिए। शिविर में आयल बीमार सब आर्थिक अभाव के कारण वर्षों से रोके इलाज ना कराओल सक रहे। महोत्तरी से रंजन भंडारी की रिपोर्ट। रूपंदेही के गौड़हवा गाँवपालिका गौड़हवा ताल संरक्षण अभियान शुरू कैले बा। ताल में रहल जल कुंभी के हटा के बाटे त पिकनिक स्थल तैयार कैले बाटे। शहीद सबके याद में शहीद पार्क भी ताल के लगे तैयार कैल गेल बा।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आवेला पर्यटक सबके ताल घुमाव के उद्देश्य सहित रूपंदेही के गैडहवा गांवपालिका सिमसार क्षेत्र में सूचीकृता मानव निर्मित गैडहवा ताल के संरक्षण शुरू कैले बा। पर्यटक के ताल के जानकारी देवे के आ प्रवर्धन खातिर साथे जल पर्यटक के खातिर संरक्षण शुरू कैल गई गांवपालिका जनावला। ताल बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी से 12 किलोमीटर आ जिला सदरमुकाम भैरहवा से करीब 30 किलोमीटर के दूरी में बाटे। शुरू के बरस में ताल के संरक्षण के खातिर कम बजट छुटियावला पर भी बरस 30 लाख बजट गौडहवा ताल के प्रचार प्रसार खातिर विनियोजन कैल गई बा। निकट भविष्य में ही ताल में डेंगी संचालन करे के तैयारी गांवपालिका के बा। राष्ट्रीय स्तर में चाहिए ताल को चाहिए महत्व रहेको छ। संपूर्ण केन्द्रबाट केन्द्रदेखि प्रदेश सम्म का संपूर्ण हाम्रो यहाँ का नेतृत्वकर्ता जीहरु र हाम्रो नेताहरु लाग्नु भएको छ र गाउँपालिकाले चाहिँ धेरै पहल गरिरहेको छ। केन्द्र सम्म र प्रदेश सम्म पनि हामी पर्यटन मन्त्रालयमा गएर चाहिँ सहकार्य गरेर यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने हो, यसको यसलाई कसरी चाहिँ हामी विकास गर्ने हो भन्नेमा हामी लागेका छौँ। र स्थानीय सबके मुताबिक रूपंदेही के ही बड़का ताल गैडहवा अपार संभावना बोखले बा, लेकिन ताल पुगे खातिर निमन रास्ता नहीं खे। सुविधा युक्त आ सजिलो बाटो निर्माण करके ताल के बीच में बुद्ध के मूर्ति राखे सकल जाए त लुम्बिनी भ्रमण में आवेला पर्यटक सबके गैडहवा ताल तक आकर्षित करे के देखल गई बा। ताल के संरक्षण करे खातिर स्थानीय सब भी जोड़ दहले बा। आय आर्जनको लागि चाहिँ विकासको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ ओझेलमा परेको छ। रूपन्देहीको सबभन्दा ठुलो ताल भनेर चाहिँ चिनिन्छ, तर चाहिँ यसमा चाहिँ ओझेलमा परेको छ। यहाँ चाहिँ विकासहरू हुन सकेको छैन। यहाँ चाहिँ बोटिङहरू भइदिएको भए र यहाँ चाहिँ मठ मन्दिरको एउटा ठपना गरिदिएको भए यहाँ चाहिँ पर्यटकहरू आउने थियो होला र यहाँका जनताले केही रोजगारहरू आय आर्जन हुन चाहिँ पाउँथ्यो होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। बाटो चौतर्फी बाटो बनाइदिनु पर्छ र बिचमा एउटा बुद्धको मन्दिर या मतलब बुद्धको मूर्ति या के अब राख्न पर्ने हुन्छ त्यसलाई गरिदिने र बोर्डिङ राखिदिने र राम्रोसँग यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, पानी नसुकाउने र यो यसको ठेक्कापट्टालाई रोक गराएपछि हामीलाई जस्तो लाग्छ यो गाउँको र यो गाउँपालिकालाई आयोजन बढाउन सक्छ जस्तो लाग्छ। 84 बिघा क्षेत्रफलमै फैलल तालके 50 बिघा जलाशय क्षेत्र रहल बा। रूपन्देही से विकास पराजुलीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। ऑटोमोबाइल व्यवसायी सबके छाता संगठन नाडा ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपाल के अध्यक्ष में कृष्ण प्रसाद दुलाल निर्विरोध निर्वाचित भइल बाने। अध्यक्ष संगे नाडा के बाकी कार्य समिति सदस्य सब समेत निर्विरोध चयन भइल बा। काठमाडौँ में आयोजित नाडा के 43वां साधारण सभा के अवसर में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बसंत निम्वांग के उपस्थिति में अध्यक्ष दुलाल सहित 19 सदस्य नया कार्य समिति निर्विरोध निर्वाचित भइल घोषणा कैल गेल। नाडा के नया कार्य समिति के कार्यकाल 2 वर्ष के होकी। अध्यक्ष में चुनाइला बाद दुलाल अपन कार्यकाल में समग्र ऑटोमोबाइल क्षेत्र के सुधार व्यवस्थापन और व्यावसायिक हकित खातिर काम करे के प्रतिक्रिया देहनी। अब खेलकूद समाचार। काठमाडौँ म्याराथन के उपाधि पुरुष तरफ नेपाली सेना के नरेन्द्र रावल आ महिला तरफ सशस्त्र प्रहरी बल के कान्छीमाया कोजु जितले बाड़ी। प्रो स्पोर्ट्स प्रणाली से आयोजना कैल 13वां संस्करण के काठमाडौँ म्याराथन में नेपाली सेना के नरेन्द्र निर्धारित दूरी 2 घंटा 33 मिनट 10 सेकेंड में पूरा कैलन। महिला तरफ के म्याराथन में सशस्त्र प्रहरी के कोजु काठमाडौँ म्याराथन में हैट्रिक पूरा कैले बाड़ी। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भइल म्याराथन में नेपाली सेना के ही वेद बहादुर सुनार द्वितीय आ ज्ञान प्रसाद भट्टराई तृतीय भइलन। महिला तरफ के म्याराथन में नेपाली सेना के सरिता बासी दोसर भैली आ निर्जला तम्रकार तेसर भैली। त्रिपुरेश्वर से शुरू होके थापाथली कुपंडोल पाटन गेट चाकूपट यूएन पार्क शंखमूल बानेश्वर तीनकुने होखत कोटेश्वर चोक घूमके एयरपोर्ट गौशाला पशुपति रातोपुल नक्साल भाटभटेनी बालुआटार लैनचोर नारायणहिटी दरबार मार्ग घंटाघर भद्रकालिया शहीद गेट होखत त्रिपुरेश्वर रंगशाला में पुके ओराइल रहे। म्याराथन विजेता के 50,000, दोसर होखेवाला के 20,000 आ तेसर होखेवाला के 15,000 देहल गेल बा। अंतिम प्रमुख समाचार फिर एक बेर।
बाकेके नेपालगंज नगरपालिका में रहल सुकुम्बासी बस्ती भस्काल गईल जमीन खाली करला गृह मंत्रालय द्वारा परिपत्र। पश्चिमी वायु के प्रभाव के कारण देशभर के मौसम प्रभावित शीतलहर के कारण बारा के जनजीवन कष्टकर। महोत्तरी के सीमावर्ती क्षेत्र में नेपाली सेना से चलाओल घुमती शिविर प्रभावकारी बनल 16,700 लेहलक सेवा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्टेट ऑफ यूनियन स्पीच खातिर सभामुख के नेता डेमोक्रेट आ रिपब्लिकन बीच सीनेट में होखे वाला ट्रायल बारे सहमति बाकी। काठमांडू मैराथन के उपाधि नेपाली सेना के नरेंद्र रावल के महिला तरफ के उपाधि सशस्त्र के कांसी माया जितली। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब ट्विटर फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।